हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भावेश जोशी सुपर हीरो के बारे में और जानेंगे इस मूवी के कास्ट, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, अवार्ड, सीक्वल और भी बहुत कुछ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भावेश जोशी सुपर हीरो साल 2018 में आई हुई एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर थे विक्रमादित्य मोटवानी और इस मूवी में म्यूजिक दिया था अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी को फैंटम फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था और इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे रिलायंस इंटरटेनमेंट और ईरोस इंटरनेशनल। अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में हमें हर्षवर्धन कपूर, प्रियांशु पेन्युली, आशीष वर्मा, श्रेया सबरवाल, प्रताप फाद, पवित्र रभा, चिन्मय मंडेलकर, निशिकांत कामत और ऋषिकेश जोशी जैसे एक्टर देखने को मिले थे। और इस मूवी में एक छोटा सा कैमियो अर्जुन कपूर का भी था। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस मूवी को बनाने में 21 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस मूवी ने दुनिया भर से 4 करोड़ 75 लाख रुपए ही कमाए थे, जिसके कारण ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई। पर अगर इसके IMDB रेटिंग को चेक की जाए तो इस मूवी को 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं इसके अवार्ड्स के बारे में। तो इस मूवी को 3 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से इस मूवी ने एक अवार्ड को अपने नाम किया। अगर सीक्वल की बात करें तो फिलहाल तो इस मूवी के सीक्वल की कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।